कल का दिन तो हमारे लिए इतना मस्त रहा था कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को। काका और पापा वहां पर खड़े हैं, उन लोग का जो बड़ा टेंट है वहीं पे सोए थे। और कल का दिन तो क्या रहा था मैं क्या बताऊं आपको भाई साहब, इतना मज़ा आया हम लोगों को, इतना मज़ा आया। और क्या सुबह हुई है। यहाँ पर एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों दिन नींद जो आई है वो धौलावीरा हो या फिर यहाँ पर हो वाइट रन ऑफ कच्छ, दोनों जगह पर इतनी ज़बरदस्त नींद आई है कि मैं आपको क्या बताऊं, एक नंबर। और इतना ज़्यादा फ्रेश लगता है जब सुबह उठते हैं तो। पार्थो और वत्सल दोनों सो रहे हैं अभी अंदर टेंट में, मैं जग गया हूँ क्योंकि मुझे फ़ोन आया था कि भाई उठ जा वरना मैं भी सोया रहता। पर अब जाएंगे नाश्ता करने क्योंकि फिर यहाँ से निकलना भी है, निकलने में लेट हो जाएगा हमें। पर वाह, what a beautiful property and what a beautiful morning and what a refreshing morning. नंबर जनवरी यहाँ का पीक होता है, अभी तो ऑलमोस्ट फरवरी आने वाला है 26, ये कौन सी 23rd चल रही है, तो अभी 22nd है, तो ये उतना पीक है नहीं। हम ऑलमोस्ट सारे टेंट खाली है, थोड़े ही भरे हुए हैं, पर मस्त लग रहा है। अब जानू मानो कि हमारे यहाँ पर दो टेंट थे, अब जानू मानो मम्मी पापा के साथ सो गए, तो हमने ड्राइवर भाई को बोला कि आप यहीं सो जाओ, तो हमारे बगल टेंट में ड्राइवर भाई मस्त सो रहे हैं। कल रात को भी यहाँ पर भी कल्चरल प्रोग्राम और ये सब था, पर हम अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि हम थे जिगरा के कॉन्सर्ट में जिसने धूम मचा दिया था वहाँ पर। बहुत मज़ा आया था भाई, बहुत मज़े। लोग तो कोई उठ नहीं रहा है पर मुझे लगी है भूख, तो मैं जा रहा हूँ चाय नाश्ता करने, मुझे लगी है भूख। यहाँ पर सिर्फ कल रात को ही हमने थोड़ी मैगी खाई, मैगी और गार्लिक ब्रेड, बाकी यहाँ पे सारे दिन हमने सिर्फ और सिर्फ यहीं का खाना खाया, यहीं के टेस्ट वाला खाना खाया, जो भी यहाँ का टेस्ट होता है वो ही। अब आज भी नाश्ते में कुछ ऐसा ही होगा और लंच में भी, क्योंकि शायद डिनर शायद हमारा वडोदरा साइड हो जाए। पर यहाँ पर आते ना तो ऐसा लगता है कि ये अलग सिटी नहीं, अलग स्टेट ही है ऐसा लगता है, क्योंकि रहना सहन कपड़े पहनना, यहाँ पे सब लोग पठानी पहनते हैं, पाकिस्तान बॉर्डर के काफ़ी करीब है यहाँ, फिर पहले से इनका कल्चर है क्या है हमें पता नहीं, पर यहाँ पे सब लोग पठानी ही पहनते हैं, उनका पहनावा ही पठानी है। वो कल पता चला मुझे, मैं इसे ये चलना बहुत होता है, अगर आपको अपने टेंट से यहाँ पर खाना आना है ना तो भी मतलब अच्छा खासा चलना है, और यहाँ से जब वापस जाओगे तो भी अच्छा खासा चलना हो जाएगा। चलो आ गया फाइनली अपना ब्रेकफास्ट, सिर्फ और सिर्फ चाय बननी बाकी है बस, पराठा वराठा तो रेडी है, चाय बननी बाकी है। आप मुझे जब भी देखोगे चश्मे में तब एक ही रीज़न होगा, मेरी आँखें नहीं खुल रही होगी बस, बाकी कोई रीज़न नहीं होगा। पूरी आँखें गई हुई है, इतनी नींद आ रही है, अभी भी सोए अच्छा खासा सोए, 7-7.5 घंटा हम लोग सोए, पर फिर भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। ठंड भी बहुत ज़्यादा है, ठंड कम से कम यहाँ पर अभी 10-11 डिग्री होगी, क्योंकि रात से भी ज़्यादा लग रही है, और रात को भी लग रही थी ठंड टेंट में, पर उससे ज़्यादा ही लग रही है। पर अभी थोड़ी धूप है ना तो बेहतर। गरम गरम पराठा, खमन और चाय, नाश्ता करने के बाद मस्त अभी सनलाइट में बैठे बैठे सनबाथ लिया जा रहा है। वो लोग तो अभी नाश्ता करने गए, मेरे टाइम पे गीजर में गरम पानी नहीं आ रहा है, सबके टाइम पे आया, अपने टाइम पे गरम पानी नहीं आया बिल्कुल भी। आपको रेडी होने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं तो जल्दी उठ गया था, पहले ही नाश्ता करके आ गया था, तो अपना तो काम सेट था। पर भी पार्थ इस टेंट में नहा रहा है बाजू वाले में, वत्सल इधर नहा रहा है, बाकी सब वो बड़े
फैमिली टेंट में। अब यहाँ से पहले जाना है आशापुरा माता के मठ, और वह मठ जाके फिर वहाँ से हम लोग सीधा निकल जाएंगे बड़ोड़ा की ओर। नो बीच में कोई ब्रेक नहीं, इसलिए मैंने ट्रैक ही पहन लिया मैं, कि अपने से अब जीन्स वींस पहना नहीं जाएगा। कंफर्टेबल सारे शूज़ वूज़ रख दिए बैग में, कुछ भी अपने पास नहीं, बस ट्रैक और इसमें सब रेडी। सामान हमने यहाँ पर रखवा दिया है, वो लोग अब खुद ही लेके रख देंगे गाड़ी में, क्योंकि पापा लोग वहाँ पर, चलो पापा हमें बुला रहे हैं वहाँ पर फोटोज खिंचवाने के लिए बड़े वाले टेंट में, बस वहीं जा रहे हैं। तो ये रहा हमारा बड़ा वाला टेंट जिसमें सब बड़े लोग रहे थे, हम लोग उधर छोटे वाले टेंट में। बोल रहे हैं कि लोग आके इसके साथ फ़ोटो वोटो खिंचवा के जा रहे, इतना बड़ा टेंट तुमने वीडियो वीडियो लिया कि नहीं। हमने बोला सब काम कल ही ख़त्म हो चुका था, आज का कोई प्रोग्राम हमने छोड़ा नहीं है। तो भाई सब रख रहे हैं सारा सामान, और फिर गाड़ी इधर आएगी बा के लिए, और फिर हम लोग सीधा निकल जाएंगे माता के मठ। पहुंच गए आशापुरा माँ के मंदिर, शायद दर्शन करना ही हमारे नसीब में था, तो पास में ही था वो दूसरा आशापुरी था। ये छोटा सा गांव है, इस गांव के अंदर पीछे की ओर सब लोग भी वॉशरूम गए तो वेट कर रहे हैं। मम्मी को रोकना नहीं है, बस चलते रहना है मम्मी को। शॉपिंग करनी है, आ रही है। कोई शॉपिंग नहीं, कोई शॉपिंग नहीं, आगे हमारी वो टेम्पो ट्रैवलर आ गई है। अरे वो तो खड़ी रहेगी, अपनी है नहीं? अपनी है पर लेट हो जाएगा हमें। तेरे लिए कुछ कुछ मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए चार मंगली वाली गाड़ी। गाड़ी ले ले, नहीं नहीं नहीं, चलो चलो चलो, क्या ले लो? कुछ नहीं, चलो चलो। सबके सब मिल के चाय पार्टी हो रही है, सबको चाय पी जा रही है, सब मिल बांट के चाय कर रही है। पापा को तो घेर लिया है सबने। सब लोगों ने घेर लिया। पता सब लोग घेर के खड़े हो गए, सब पीछे पीछे भाग रहे। पूरा से निकल कर अभी भुज की सड़कों पे घूम रहे दीवाने, सनसेट भी होने वाला है, 3 दिन से सनसेट देखने को मिल रहा है हमको। दाबेली दाबेली खाएंगे पहले वॉशरूम। जानू इधर तुम्हारी कॉफी भी मिल जाएगी इफ यू वांट। यस, कोल्ड कॉफी मिल जाएगी तुम लोगों को। अभी यहाँ से भी 6-7 घंटे का रास्ता है आराम से। मम्मी को पूछना फोन करके, क्या पूछना है? कोल्ड कॉफी ऑर्डर हो रही है, क्या लेना है तुझे? कोरियन नूडल्स ट्राई करने के लिए। तो वो बना के देंगे? नहीं, हम घर पे जाके बनाएंगे। ऐसा क्या मजा आएगा, मतलब ट्राई करना है मुझे। ले ले, वो वहाँ से ले लेंगे ना, पर वहाँ पर भी मिलती है। तू बाद में कहाँ लेके? ले जाऊंगा ले जाऊंगा। वडोदरा में भी शैल है, बात तो सही है इसकी।
कोल्ड कॉफी बन रही है, मैं जाऊं, मैं चाय वाला हूं। सनसेट कहीं पे भी हो मैं देख के रुक ही जाता हूँ, बस सनसेट देखने रुक गया हूँ भुज में। सुंदर, मैं सो रहा था इस करके मैंने पेट्रोल पंप नहीं देखा, वरना यहीं पे रोक देते, पर उन लोगों ने दाबेली की जगह देख के रोक दिया। अब दावेली वहाँ पे आगे मिलती है, तो यहाँ से वहाँ तक चल के जा रहे हैं हम लोग। ओह, ठंड बढ़ गई है पर शाम को, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, पर ये जो होता है ना सनसेट का माहौल बेस्ट। कहाँ से आया और दावेली नहीं खाया, कैसी है? बहुत बढ़िया, बहुत सारी चीज़ें है, कच्ची कड़क है, भेल है, दावेली है, वो लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, उनको कॉफ़ी, वो थोड़े विलायती लोग हैं वो कॉफ़ी पी रहे हैं, कॉफ़ी। भुज में ठंडी ज़्यादा है नहीं, आज एक्सपेक्ट किया था कि ठंडी होगी, होगी वहाँ पे कम थी, थी नहीं ना के बराबर बराबर थी, यहाँ पे ठंडी इस टाइम पे लग रही है, रात को क्या होगा। अच्छा है, हम यहाँ रुकने नहीं वाले, बस निकल जाएंगे यहाँ से। तो लास्ट टाइम जहाँ पर रुके थे वहीं रुके हैं, भुज के बाद ये अपना, ये वही वाला स्टॉप है जब मानिया वाला है ना, माल्या मतलब, हाँ सुबह 6:30 बजे जो रुके थे, अब यहाँ से 6 घंटे का और रास्ता, सोते सोते जाना है, सोते सोते इसको तो जाना है सीधा कॉलेज, सुबह कॉलेज दौड़ने जाएंगे ब्रदर।